चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए तीन शहरों में घर से भागकर शादी करने वाले जोड़ों की लव मैरिज पर बैन लगा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में कोई भी पुजारी या ग्रंथी शादी करवाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब नहीं होगी घर से भागकर शादी। शादी करवाने वाले पुजारी जाएंगे जेल। तीन शहरों में लव मैरिज पर बैन। जी हाँ, अब तीन शहरों चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में कोई भी प्यार करने वाला जोड़ा घर से भागकर शादी नहीं कर सकेगा। परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज को इन तीन शहरों में बैन लगा दिया गया है। लव मैरिज को रोक लगाने का ये आदेश दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। दरअसल कोर्ट को पता चला था कि कुछ वकील, पुजारी और ग्रंथी मिलकर गोरख धंधा चला रहे हैं, जिसमें वो घर से भागकर आए जोड़ों की शादी करवाते हैं और बाद में उन्हें कोर्ट से सुरक्षा भी दिलवाने का दावा करते हैं। कुछ हमारे लालची भाई हैं जो कि इस शादी के नाम पर बगैर शादी कराए सर्टिफिकेट दिलाकर प्रोटेक्शन वगैरह दिलाने का काम करते हैं पुलिस से, और मेरे को जाती तौर पे इसका पता है कि कई लोगों को तो ये कहकर झांसा देकर कि आपकी शादी की रजिस्ट्रेशन भी हम करा देंगे, प्रोटेक्शन तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे, उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, कुछ पुजारी ले जाता है, कुछ हमारे भाई ले जाते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली पुलिस से इन मामलों में सख्ती से निपटने का निर्देश जारी किया है। इस आदेश के बाद अगर मंदिर का पुजारी या गुरुद्वारे का ग्रंथी शादी करवाने में जोड़ों की मदद करेगा तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद उनको केवल हाईकोर्ट से ही जमानत मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि शादी करवाने के नाम पर प्रेमी जोड़ों से करीब 65,000 रुपए तक की रकम वसूली जाती है। सुनवाई के दौरान सामने आया कि अब तक ऐसी करीब 5,000 शादियों को अंजाम दिया जा चुका है। कई वकीलों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी किया है। हाई कोर्ट ने इसको नथ डालने के लिए कुछ किया है, ये बहुत जरूरी था और बहुत इसकी जरूरत पहले भी थी, देरी से आया हुआ बहुत ही अच्छा कदम है। इस आदेश को जारी करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि वो कानूनी रूप से की गई लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो उन प्रेमी जोड़ों की शादी के खिलाफ है जो घर से भागकर इन पुजारियों के झांसे में आकर लव मैरिज करते हैं और फिर बाद में कोर्ट से सुरक्षा की मांग करते हैं। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद अब घर से भागकर आए प्रेमी जोड़ों की शादी करवाने से पहले वो भी चार बार सोचेंगे। जगदीप संधू, इंडिया टीवी, चंडीगढ़।